तीन देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया की यात्रा के बाद सिंगापुर के लिए रवाना। इंडोनेशिया से द्विपक्षीय संबंधों के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, रेलवे आदि क्षेत्रों में हुए समझौते। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों में कैराना में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी और नूरपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने भाजपा प्रत्याशियों से बढ़त बनाई। एटीएस अधिकारी राजेश साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच करेगा सीबीआई। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। साहनी ने अपने कार्यालय में गोली मारकर कर ली थी आत्महत्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौवंश आश्रय स्थलों की स्थापना के लिए जिलाधिकारी को दिए निर्देश। साथ ही देशी गौवंश के नस्ल सुधार के लिए तेजी लाने पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के तीन देशों की यात्रा के तहत इंडोनेशिया की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। सिंगापुर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मलेशिया के कुआलालंपुर में कुछ देर के लिए रुकेंगे। वहां वे नए प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे, उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान उनके साथ आपसी हितों से जुड़े मामलों पर चर्चा भी करेंगे। इनके बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है और भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में वहां रहते हैं। मलेशिया एशिया प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हितों और आकांक्षाओं को पूरा करने में विशेष योगदान दे रहा है। भारत ने क्षेत्र की शांति, विकास और सुरक्षा के प्रचार प्रसार में एक दूसरे की जिम्मेदारी को मान्यता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अल्प समय की यात्रा काफी मायनों में खास है, क्योंकि इससे भारत और आसियान देशों की सामूहिक विकास में मदद मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई और भारत और इंडोनेशिया विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक प्रशिक्षण, रक्षा, अंतरिक्ष और रेलवे के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमत हुए हैं। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात भारत और आसियान देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की तस्वीर है। अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के साथ कूटनीतिक, आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें भारत और इंडोनेशिया विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने आसियान सहित इंडोनेशिया के साथ सहयोग को भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और तरक्की के लिए खास बताया। इंडिया आसियान पार्टनरशिप एक ऐसी शक्ति है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तथा उससे परे भी शांति और साझा उन्नति के लिए गारंटी बन सकती है। हम आसियान में इंडोनेशिया की सकारात्मक भूमिका को बहुत ही महत्व देते हैं। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक गतिविधियों को 2025 तक 50 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 18 समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान का समझौता किया है। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान और तकनीक, रेलवे तकनीक, स्वास्थ्य तथा दवाइयों को लेकर समझौते हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पतंग म्यूजियम को लेकर भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बढ़ते संबंधों में सागर का महत्व बताया। उन्होंने सभी की उन्नति और सुरक्षा की बात कही। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ सागर SAGAR, और जब मैं सागर कहता हूं मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आज हमारे बीच हुए समझौतों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपनी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
दोनों नेताओं की वार्ता के बाद भारत और इंडोनेशिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग का साझा दृष्टिकोण जारी किया। इस दस्तावेज में मुक्त, पारदर्शी, नियम आधारित, शांतिपूर्ण, संपन्न व समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता को रेखांकित किया गया है, जहां संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता, नौवहन की आजादी, सतत विकास का सम्मान किया जाए। किसी भी आसियान देश के साथ ही अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजधानी जकार्ता में स्थित कालीबाटा नेशनल हीरो सेमेट्री में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये स्मारक इंडोनेशिया की आजादी में शहीद हुए लोगों को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने स्मारक में इन शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। हाल में हुए आतंकी हमलों में इंडोनेशिया के निर्दोष लोगों के मारे जाने का मुझे गहरा दुख है। इस प्रकार की त्रासद घटनाएं यह संदेश देती हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व स्तर पर मिलजुल कर किए जा रहे प्रयासों में और अधिक गति लाने की समय की मांग है। इसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन यानी मडिका पैलेस में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, जिसके बाद उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री ने मडिका पैलेस में ही बच्चों से मुलाकात की। पारंपरिक परिधानों में दोनों देशों के राष्ट्रीय झंडों को थामे बच्चे काफी उत्साहित दिखे। भारत का जोर पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर विकास के नए आयाम तलाशना है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 से भारत की लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट का स्वरूप दिया है, जिसके बाद भारत और इंडोनेशिया ने रणनीतिक, व्यापारिक और आधारभूत संरचना क्षेत्र में सहयोग को नई गति दी है। शाही कई अलग अलग प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं और प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में भी यही नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी ने भारतवंशियों से संवाद स्थापित किया तो कल्चर डिप्लोमेसी को भी नया रूप दिया। पतंग उड़ाने से लेकर ड्रम बजाने तक के आयोजनों में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को भारत के सांस्कृतिक दूत के तौर पर पेश किया। पतंग प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करने के बाद दोनों नेताओं ने इसे उड़ाने का भरपूर मजा लिया। भारत और इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दोनों देशों के संबंधों को दर्शाती एक पतंग को भी हवा में उड़ाया। रामायण और महाभारत की थीम पर आयोजित प्रदर्शनी साझा सांस्कृतिक विरासत की गवाह बनी। रामायण और महाभारत की थीम पर प्रदर्शन, सारे पतंग रामायण और महाभारत की थीम पर, तो मैं समझता हूं कि हमारा नाता कितना गहरा है कि हम भली भांति अनुभव करते हैं। यानी इंडोनेशिया के सामान्य जनजीवन में ये सारी चीजें सहज रूप से हैं। आस्था और संस्कृति किस प्रकार साथ साथ पल्लवित और पोषित होती है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। भारत और इंडोनेशिया के बीच प्राचीन समय से स्थापित संबंधों को यदि देखना है तो रामायण से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। ये एक ऐसा तार है जिससे आसियान देश आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों नेता मध्य जकार्ता में स्थित अर्जुन के रथ को देखने भी पहुँचे। विजयी मुद्रा में दर्शाई गई अर्जुन के रथ की मूर्ति भारत इंडोनेशिया के बीच गहरी सांस्कृतिक विरासत की गवाही दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ अपने इस दौरे पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया स्थित दक्षिण पूर्व की विशाल इस्तेक्लाल मस्जिद का भी दौरा किया। रमजान के पवित्र महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने मस्जिद का दौरा कर आपसी सौहार्द का भी परिचय दिया। इस्तेक्लाल मस्जिद का निर्माण इंडोनेशिया की आजादी के प्रतीक के तौर पर किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर ड्रम भी बजाया, जो वहां के धार्मिक रीति रिवाजों के लिए महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दोनों देशों की साझी सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करने के साथ साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। पीएम मोदी ने कहा कि 4 साल में भारत का सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है। वही कानून, वही नियम, वही अफसर, वही लोग, वही परंपरा, वही दफ्तर,
वही टेबल वही कुर्सी, उसके बावजूद भी अगर दिशा सही हो, नीति साफ हो, नियत नेक हो तो विकास होकर के ही रहता है, ये हमने करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर इंडोनेशिया के लोगों को अगले साल लगने वाले कुंभ के मौके पर प्रयाग आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने इंडोनेशिया से भारत आने वाले लोगों के लिए विशेष वीजा घोषणा भी की। भारत में किस प्रकार बदलाव आ रहा है ये आप अनुभव कर पाएंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडोनेशिया के नागरिकों को 30 दिन के लिए, सुन रहे हैं ना, इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए 30 दिन के लिए भारत यात्रा के निशुल्क वीजा की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्ष में भारत ने दुनिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका अदा की। दुनिया की सबसे ओपन इकोनॉमी में से एक भारत में रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 142वीं रैंकिंग से ऊपर उठकर 100वें नंबर पर आ चुका है। भारत की रेटिंग में सुधार हुआ है, और ये सुधार उन्होंने नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मूडीज ने किया है। बहुत अच्छा, ऐसा लगा कि लाइफ का सबसे अच्छा दिन आज गुजरा है। वेरी नाइस। अभी हमको बहुत अच्छा फील होता है कि इंडिया इज ऑल्सो द सेम फॉर लाइक अदर कंट्रीज। कैराना की 4 और 9 राज्यों में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव की वोटों की गिनती चल रही है। प्रदेश में कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का काम जारी है। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच कैराना के कुछ बूथों पर पुनर्मतदान हुए हैं। सोमवार को मतदान के दौरान वीवीपैट मशीन में खराबी के बाद निर्वाचन आयोग ने इन मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। कैराना लोकसभा सीट के सांसद हुकुम सिंह के इसी साल फरवरी माह में निधन के चलते यह सीट खाली हुई थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के हुकुम सिंह ने जीती थी। इस बार इस सीट पर उनकी बेटी मगांका सिंह मैदान में हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के तबस्सुम हसन मैदान में हैं। उन्हें सपा बसपा और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। यहां पर कुल 16,09,628 मतदाताओं में से करीब 55% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया था। जिलाधिकारी शामली इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। यही नहीं, जिलाधिकारी ने बताया कि जीत के बाद किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है, क्योंकि जनपद में धारा 144 लागू है। पहले राउंड में कैराना में बीजेपी प्रत्याशी मगांका सिंह रालोद प्रत्याशी तबस्सुम हसन से 7,029 वोटों से पीछे चल रही हैं। हम आशा करते हैं कि सब लोग कानून का पालन करें। कैराना लोकसभा मतगणना की ताजा हालात की जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अंज सैनी के पास। तो जो ताजा रुझान, इसको देखकर क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ये ताजा जो इसका रुझान है, उसमें फिलहाल तक जो है रालोद प्रत्याशी तबस्सुम हसन भारी पड़ती दिखाई दे रही है। 12,000 वोट से जो है रालोद प्रत्याशी आगे चल रही है। जी जी जी। तो इसी समाचार पे आज ताजा अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे, और आपसे अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। ठीक ठीक जी। तो आगे बढ़ते हैं बिजनौर सीट पे। बिजनौर के नूरपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का काम चल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अमनीश सिंह और समाजवादी पार्टी की नईम उल हसन समेत 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। नूरपुर विधानसभा लोकेन्द्र सिंह के निधन के कारण खाली हुई थी। ताजा मतगणना के अनुसार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी पर बढ़त बना ली है। नवे राउंड की मतगणना के बाद सपा की नईम उल हसन 7,480 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अवनीश सिंह से आगे चल रहे हैं। नूरपुर विधानसभा में मतगणना के ताजा हालात की जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अतुल गर्ग के पास। अतुल, मतगणना के ताजा रुझान क्या हैं? दीपाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब तक 9 राउंड की काउंटिंग, 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और इस राउंड के बाद सपा प्रत्याशी 5,133 मतों से आगे चल रहे हैं। जी जी जी। तो ताजा रुझानों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी यही ट्रेंड रहा था कि बीजेपी के प्रत्याशी
शुरू में पिछड़ रहे थे, लेकिन वो क्योंकि 25 राउंड की ये काउंटिंग है और अभी केवल 10 राउंड पूरे हुए हैं, तो अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन अभी क्योंकि पिछले 3 राउंड में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी नवीन हसन उनकी जो वोट है वो घटे हैं, जो ये लगभग 10,000 के आसपास पहुंच गए थे वो अब 5,133 पर आ गए। जी जी जी, तो कह सकते हैं जो कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा का चुनाव है ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। आप अतुल जी इस पे लगातार निगाह बनाए रखिएगा, हम ताजा अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले समाचारों की ओर। एटीएस अधिकारी राजेश सहनी की संदिग्ध मौत को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने इस मामले की विस्तृत जांच सीबीआई से कराने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि राजेश सहनी ने अपने कार्यालय में खुदकुशी कर ली थी। सहनी 1992 बैच की प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सहनी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। उत्तराखंड के में हाल ही में पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने के ऑपरेशन में सहनी शामिल थी। उन्हें कई हाई प्रोफाइल मामले सुलझाने का श्रेय हासिल था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौवंश आश्रय स्थलों की स्थापना हेतु प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी को यह धनराशि पशुधन विभाग द्वारा उपलब्ध यथाशीघ्र कराई जाएगी। जिलाधिकारी इस धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं मनरेगा ग्राम पंचायत निधि आदि के साथ डोटेटिंग करते हुए निराश्रित गौवंश आश्रय स्थलों हेतु स्थापना सुविधाएं विकसित करने में करें। मुख्यमंत्री दुग्ध विकास पशुधन तथा गौवंश के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ललितपुर जनपद की भांति निराश्रित गौवंश स्थलों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इन पशुओं के भरण पोषण आदि हेतु आवर्ती व्यय के लिए जन सहयोग प्राप्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के स्तर पर पिंजरापोल कांजी हाउस आदि की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव क्रियाशील किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी गौवंश के शीघ्र नस्ल सुधार हेतु वर्गीकृत वीर के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराते हुए उन्नत उत्पादकता की बछिया के प्रजनन हेतु योजना का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में जनपदों में निराश्रित गौवंश की समस्या पाए जाने पर संबंधित जिलाधिकारी जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे। केंद्रीय मंत्री इन दिनों तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर काम के हिसाब का ब्यौरा ले रहे हैं। इसी क्रम में कल भी कई केंद्रीय मंत्री राज्यों के दौरे पर थे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर देश भर में मंत्री संवाददाता सम्मेलनों के जरिए सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रख रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि जनता के कल्याण के लिए जो भी कदम सरकार ने उठाए हैं उनका लाभ सीधे उन तक पहुंच जाए। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून और सूचना तकनीक मंत्री बुधवार को वाराणसी में थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 साल के सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी दबाव के ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देश के लिए सभी जरूरी फैसले ले रही है। साहसिक निर्णय देश में सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, नोटबंदी पर भी स्ट्राइक कर बिना ही चलते। सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पीएम ने लंदन में कहा था मैं दोहराऊंगा, हमने कहा पहले प्रेस को बोलने की बजाय पाकिस्तान को बता दो कि आपके 40-50 लोगों का शव पड़ा है, ताकि तो अपने रहे। हमने काम किया ये हिम्मत। और नोटबंदी में 14 लाख करोड़ रुपए वापस आए। एक बात ध्यान रखिए, ये सभी पैसा वाइट नहीं हुआ, अब इस पैसे का एक परिचय है और उनको टैक्स देना है। कॉमन सिविल कोड के मसले पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद सरकार इस पर आगे काम करेगी। इस मौके पर उन्होंने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि टीसीएस 1 महीने में अपनी बीपीओ खोलेगा काशी में, देवरिया और गाजीपुर में भी बीपीओ खुलेंगे। भोजपुरी टेक्नोलॉजी के लिए 3 करोड़ रुपए बीएचयू आईआईटी को दिए जाएगा। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का एक ऑफिस वाराणसी में खुलेगा। काशी के कोर्ट को 45 KB डिजिटल रिकॉर्डर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिला अदालत बनाई जाएगी। काशी के कोर्ट के लिए मैं 45 MBBS का बैंडविड्थ वहां उपलब्ध किया जाएगा, जिससे उनके वकीलों को अपने केस रिकॉर्ड बाकी देखने में सुविधा हो। हम चाहते हैं कि वाराणसी में एक अच्छा वकीलों के लिए कोर्ट बने, मॉडल व्यापक
अच्छे कोर्ट बने, लगभग हम 11 कोर्ट बनवा रहे हैं, बाकी रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक मॉडर्न कोर्ट बने। हमने वकीलों से और यहाँ के विधायकों से आग्रह किया है कि मिलकर सर्वानुमति से एक समाधान बताएं, जमीन उपलब्ध कराएं, तो हम एक फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काशी में बनवाएंगे वाराणसी, और इसके लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय विधि न्याय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वाराणसी के सर्किट हाउस में वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कहा है कि सरकार वकीलों के हितों का पूरा ध्यान रख रहे हैं, यही कारण है कि उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 4 सालों में काफी कार्य किए हैं, विदेशों में भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, उनमें आपका भी वर्ग शामिल है। इस मौके पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ काफी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने जनपद पीलीभीत को बड़ी रेल लाइन की सौगात दी है। खट्टी मीठी यादों के साथ पीलीभीत से शाहजहांपुर व मैलानी के बीच मीटर गेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन 127 साल का लंबा वक्त गुजारकर इतिहास के पन्नों में सिमट गई। ब्रॉड गेज के लिए पीलीभीत से मैलानी व पीलीभीत से शाहजहांपुर इस रेलखंड पर ब्लॉक लिया गया है। यह रेलखंड 127 साल पुराना है। वर्ष 1891 से रुहेलखंड कुमायूं रेलवे के अंतर्गत गोला गोकर्णनाथ से पीलीभीत तक और शाहजहांपुर से पीलीभीत तक निर्माण कार्य पूरा हुआ था और इस पर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ तो जो आज तक जारी था, लेकिन अब इंडियन रेलवे इस रूट को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित कर रहा है। इसी के चलते आज आखिरी 2 ट्रेनें शाहजहांपुर व मैलानी के लिए रवाना की गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में यात्री आखिरी दिन इस पर यात्रा करते दिखे। ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि अब लोगों को आधा समय बच जाएगा, साथ ही यात्रियों का कहना है कि इस रूट पर हजारों की तादाद में यात्री सफर करते थे, लेकिन इस ट्रेन के बंद होने से समस्या पैदा होगी, शासन को इस समस्या की ओर ध्यान देना होगा। वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि 1 साल के अंदर बड़ी रेल लाइन डालकर ट्रेनें चालू करने का प्रयास किया जाएगा। परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, इसी के अंतर्गत पीलीभीत मैलानी और पीलीभीत शाहजहांपुर रेल खंड को आमान परिवर्तन कार्य के लिए बंद किया जा रहा है। आज इस रूट पर, दोनों रूट पर अंतिम गाड़ियां रवाना होंगी, उसके बाद जो है कोई गाड़ियों का संचालन, मीटर गेज की गाड़ियों का संचालन नहीं होगा, केवल ब्रॉड गेज की गाड़ियों का संचालन काम पूरा होने के बाद होगा। रायबरेली में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय सनसनी मच गई जब जिला खाद्य विभाग के बाबू को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक नमकीन व्यापारी से सैंपल लाइन भेजने के नाम पर 50,000 रूपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बाबू को लेकर टीम सदर कोतवाली पहुंची और वहां कार्रवाई करने लगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के निरीक्षक जटाशंकर सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग में तैनात संजय कुमार नाम के एक वरिष्ठ लिपिक हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ शिकायत मिली थी कि एक सैंपलिंग की गई जो आगरा लैब में फेल हो गई थी और केंद्रीय लैब भेजा जाना था, उसके लिए उन्होंने पैसे की मांग की थी और आज पैसा लेते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये संजय कुमार हैं, जो वरिष्ठ लिपिक हैं, खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन रायबरेली के कार्यालय में तैनात। इन्होंने एक व्यक्ति का सैंपलिंग हुई थी, वो फेल हो गई थी आगरा लैब से, उसको सेंट्रल लैब में भेजना था, रेफरल सैंपलिंग जाना था, उसके एवज में 50,000 रुपये की मांग की जा रही है। शिकायत करता आया और हमारे डीजी साहब जो हैं उनके निर्देशन में टीम गठित होकर कार्रवाई की गई और इसको रंगे हाथों पकड़। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारियों की हड़ताल का बुधवार को व्यापक असर दिखाई पड़ा। भारतीय बैंक संघ द्वारा वेतन में 2% वृद्धि की पेशकश के विरोध में कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। एसोचैम ने कहा है कि हड़ताल से 20,000 करोड़ रुपये की लेन देन प्रभावित हुई है। राजधानी लखनऊ के सभी 734 सरकारी बैंकों की शाखाओं में ताले लटके रहे। हड़ताली बैंक कर्मचारियों की वजह से शहर में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की ड्राफ्ट की क्लियरेंस फंस गई है। यही नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग भी नेटवर्क की वजह से ग्राहकों को परेशान करता रहा।
बदायूं जेल में निरुद्ध दो बंदियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों कैदी बेहोशी की हालत में बैरक नंबर 12 में मिले थे। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। बदायूं जिला जेल में बंद असलम और शाहरुख नाम के दो कैदियों की जेल के अंदर मौत हो गई। असलम दहेज हत्या के मामले में 15 सितम्बर को लाया गया था, जो सदर कोतवाली इलाके के हकीमगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा कैदी फैजगंज बहेटा थाना इलाके में नूरनगर कौड़िया का रहने वाला शाहरुख है, जो 15 दिसंबर 2017 को जेल में लाया गया था। कैदियों की मौत की सूचना पर आला अधिकारी जेल पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। दोनों कैदियों को जिला जेल की एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों कैदियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं कैदियों के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए बदायूं बरेली हाईवे जाम कर दिया। बड़ी मुश्किल से बदायूं प्रशासन के आश्वासन पर जाम खुला। जांच पड़ताल की है, उसमें दो कैदियों की जो डेथ हुई है, एक शाहरुख है, एक असलम है। और शाहरुख सजायाफ्ता था और असलम है वो दहेज का मुकदमा था। दोनों लगभग 5-5 साल से यहाँ पर बंद थे। एक आजीवन कारावास था शाहरुख, असलम विचाराधीन था। तो पूरी छानबीन में सामने आया है कि ये इन्होंने कुछ जहरीले पदार्थ खाया है। इनके पास से कोई पेन लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला, कागज फटा हुआ मिला है। इनके आसपास जो बंदी रहते थे, जो तीन बंदियों से पूछताछ की, जिन्होंने पहली बार उसको देखा है, और उन्होंने बताया है कि मस्जिद में दोपहर को नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। जब ये लोग मस्जिद में समय से पहुंचे तो देखा कि दोनों ये बंदी वहाँ पड़े हुए थे। तो तुरंत इन्होंने हेड बॉटम को घुटना दी, तुरंत उनको लेके अस्पताल आए। उसे झाग निकलना था और प्राथमिक उपचार जेल में किया गया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनको डेथ डिक्लेयर किया गया। स्वस्थ, स्वच्छ और आनंदमय जीवन शैली की जागरूकता के लिए लखनऊ में वॉक फॉर योगा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन से आलमबाग चौराहे तक वॉक फॉर योगा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस वॉक में भाग लिया। साथ ही जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। शिव शांति आश्रम अभ्युदय योग केंद्र, जो कि पिछले 8 साल से निरंतर चल रहा है, इस योग केंद्र की 8वीं वर्षगांठ हम लोग 3 जून को मनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने सोचा था एक प्रभात फेरी निकालेंगे और उस आयोजन को एक वृहद रूप देने का प्रयास करेंगे। और उस प्रभात फेरी ने विस्तार लेना इसलिए शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा समर्थन जनता का मिलने लगा योग के प्रति, प्राणायाम के प्रति। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इसको वॉक फॉर योगा का एक नाम दिया जाए, जिसमें आशातीत सफलता मिली। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। तीन देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया की यात्रा के बाद सिंगापुर के लिए हुए रवाना। इंडोनेशिया से द्विपक्षीय संबंधों के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, रेलवे आदि क्षेत्रों में हुए समझौते। एटीएस अधिकारी राजेश साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांच करेगी सीबीआई। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, साहनी ने अपने कार्यालय में गोली मारकर कर ली थी आत्महत्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौ वंश आश्रय स्थलों की स्थापना के लिए जिलाधिकारी को दिए निर्देश, साथ ही देशी गौ वंश के नस्ल सुधार के लिए तेजी लाने पर दिया जोर। इसी के साथ इस समाचार समाप्त हुई। नमस्कार।